स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषाएं मीन्स लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे देश और भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस रूसी, स्पेन स्पेनिश, जापान जापानी, कोरिया कोरियन, फ्रांस फ्रांसीसी, चीन चीनी। इसी प्रकार हमारे देश में हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे राज्य और भाषा, कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, बंगाल बंगाली, केरल मलयालम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है। लिपि स्क्रिप्ट, भाषा लिपि और उदाहरण, हिंदी देवनागरी उदाहरण पुस्तक, अंग्रेजी रोमन बुक, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी। हर भाषा को बोलने व लिखने का अलग ढंग होता है, अतः हमने जाना भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। यदि वर्णों और शब्दों को सही जगह पर प्रस्तुत न किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे म धन अ धन र अ ट अ, तो म ट र नहीं हुआ, ये गलत है। दूसरा म ट र, ये मटर सही है। जब हम म बोलेंगे तो उसमें अ आता है, ट बोलेंगे तो अ आता है, र अ आया, तो मिलाकर मटर। इसी प्रकार शब्दों को भी व्याकरणिक नियमबद्ध किया जाता है। पहला है मुझे रसगुल्ला लगता अच्छा, इन शब्दों में से कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा, इन्हीं शब्दों को सही क्रम में पढ़ो। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, सही क्रम में शब्दों को लिखने से पूरी बात समझ में आती है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए ही व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को शुद्ध बोलने लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। थैंक यू।